अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। देखिए आज मैं और ज़ैनब हम जा रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन कुछ शॉपिंग के लिए टाउन, तो चलें फिर देखते हैं क्या बनता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। शोर बहुत है इधर पानी का टाउन में, तो हम शॉपिंग करके आ गए और वेदर ख़राब हो गया ज़्यादा, और तो चलो फिर अब घर चलते हैं, घर चल के दिखाएंगे अपनी शॉपिंग। चल चलेंगे हम? हाँ नहीं, अच्छा तो अब हम बैठे हैं घर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। हनान अभी निकला घर से, तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको आने में। बारिश में बाहर बैठना पड़ रहा है और कोई जगह ही नहीं है, सब लोग बैठे हैं, सब शॉपिंग करके थक गए हैं। घर चल के फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या शॉपिंग की है। आवाज़ आपकी शायद से इतना ना आ रही हो, जाना बताएगी। पाकिस्तान जाना है ना जाना? हाँ पाकिस्तान जाना है हम लोगों ने इंशाल्लाह फरवरी के एंड में, बस उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ बेबी के मिंत्रा की चीज़ें ली हैं, बल्कि ज़्यादातर मिंत्रा की चीज़ें ली हैं। उसका बहुत काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाली थी, ख़त्म भी हुई हुई थी, कुछ चाहिए भी थी मैं पाकिस्तान के लिए, वो ली हैं और अपने लिए थोड़ा सा सामान लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। अच्छा पहले अपनी चीज़ों से शुरू करते हैं, थोड़ी सी हैं मेकअप की कुछ चीज़ें थी हमारे पास, अभी चाहिए थी हमें, नहीं थी हमारे पास, वो ली हैं। एक ये आई शेडो पैलेट था, है पहले ऑलरेडी लेकिन इस तरह का नहीं था मेरे पास, सॉरी। तो ये सारी हमने वैसे पैकिंग इनकी खोल ली है वीडियो से पहले ही, ट्राई कर लिए सारी चीज़ें, रहा नहीं जा रहा था। अच्छा एक ये पैलेट था और ब्रशेज हैं, कुछ आई शेडो वाले ब्रशेज हैं सिर्फ, ये बाकी तो मेरे पास थे तकरीबन। ये स्पेयर ब्रशेज हैं, जैसे एक तो सेट है पूरा, और इसके साथ इनका ये होल्डर सा दिया हुआ है रखने के लिए, सारे ब्रशेज इसमें रखते हैं। और एक ये स्पेयर ब्रशेज भी मिलते हैं यहाँ पे, अक्सर घूम जाते हैं या चाहिए होते हैं ना, तो ये एक पाउच साइज में काफ़ी, 25 आई शेडो एप्लीकेटर्स हैं इसमें, वे बड़ी अच्छी चीज़ है, अक्सर नहीं मिल रहे होते, ढूंढ रहे होते मेकअप आई शेडो ब्रश ही नहीं मिल रहा होता, तो ये काफ़ी सारे मिल जाते हैं पैक में। और ये एक आई लैशेज हमने ली है, वैसे ये फर्स्ट टाइम हम आई लैशेज लेके आए हैं घर में खुद लगाने के लिए, अब ये लगाएंगे तो फिर लगा के आपको बताएंगे कि किस तरह के लगते हैं, किसी वीडियो में ज़रूर लगाएंगे हम लोग। ये एक आई शेडो था पाउडर वाला, ग्लिटर नहीं होता जो, वो लिया, थोड़ा सा कॉपर सा कलर का है ये, मैं बस फटाफट दिखा दो, इतना डिटेल नहीं मैं दिखा रही। बाकी कुछ हेयर एक्सेसरीज थी मेरी स्माइका की मिक्स, और ये भी वही आम घर में जो चाहिए होती हैं चीज़ें। अच्छा
अच्छा एक ये बड़ी काम की चीज़ हमें नज़र आ गई थी, मेकअप ब्रश क्लीनिंग स्प्रे। मेकअप ब्रशेज होते हैं ना अक्सर समझ नहीं आ रही होती थी कि इनको किस तरह क्लीन करें, धोके अक्सर ब्रशेज ख़राब हो जाते हैं, तो ये उनका बड़ा अच्छा सा स्प्रे मिल गया हमें, ये अब यूज़ करेंगे। और एक ये है सबसे पहले जो स्किन प्रेप के लिए स्प्रे मिलता है, ये वो है स्किन प्रेप प्रेपरेशन के लिए। बाकी एक ही 3-in-1 है, 3-in-1 फाउंडेशन प्राइमर कंसीलर एंड फाउंडेशन 3-in-1 दिस वन। या आप इस प्राइमर एज अ प्राइमर कंसीलर फाउंडेशन आपको अलग अलग चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ लगा लें अगर टाइम कम है फटाफट एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके। तो ये थोड़ा सा डार्क शेड हमने लिया है कंसीलिंग के लिए स्पेशली, ये देखें दिस वन। इस तरह का कंसीलर बड़ा अच्छा है, कंसील बड़ा अच्छा करता है। अच्छा और एक ये नेल पॉलिश ली है, ये मैंने हाथे लगा भी लिया सबसे पहले। क्रिसमस थी ना तो बड़े अच्छे से रेड कलर में बड़ी अच्छी चीजें आई हुई थी, क्रिसमस आने वाली है। ये दो आई पेंसिल हैं, एक ग्रीन कलर में और एक ये वाइट न्यूट सा कलर है, और एक ये एक और आई शेडो है, ये भी मेटेलिक लिक्विड आई शेडो, जो लिक्विड आई शेडो होता है इस तरह का। ये पहले कभी यूज़ नहीं किया इस तरह का मैंने ना, फर्स्ट टाइम लिया। एक ये इयररिंग्स बड़े अच्छे लगे थे तो ये भी ले लिया। क्रिसमस की ज्वेलरी बहुत सारी आई हुई थी, उनमें से मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे, मैंने ये ले लिया। ऐसे कैजुअल कभी बंदा कभी नहीं भी बहुत हैवी ज्वेलरी पहननी होती तो ये नाइस लगे थे। अच्छा अब नेक्स्ट मिंसा की शॉपिंग। मिंसा के शूज हैं ये, फ्रॉक्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह के साथ पहनने के लिए। बड़ी हो रही है ना मिंसा इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसकी छोटी हो गई थी। और ये वाले ये फ्रॉक्स के साथ भी चलेंगे वैसे भी, अगर जीन्स वगैरह के साथ बच्चों के। और ये ओपन सैंडल्स हैं, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए लिए हैं, यहाँ पे तो नहीं होता मौसम इतना पहनने का। ये कुछ सॉक्स के पेयर्स हैं, कुछ फ्रिल वाले कुछ वैसे प्लेन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, बच्चों के तो अच्छे लगते हैं। अच्छा ये टाइट्स हैं, ये बड़ा अच्छा लगा था कलर, ये स्पेशल मेरा ख्याल है सिर्फ क्रिसमस के लिए आए हुए थे रेड कलर, वरना अक्सर हमें नहीं मिलता ये, कभी डर लेनी हो टाइट्स मिलती नहीं है, स्पेशल क्रिसमस वाली आई हुई थी तो हमने ले ली। और ये कुछ थी ये मस्टर्ड सा कलर और बेज सा वाइट बेज सा कलर है, ये नाइस लगते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ब्राइट कलर अब कम ही मिलते हैं। बेबी गर्ल्स वाले सेक्शन में चले जाएं वहाँ पे पिंक कलर की चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। ये टॉप था, ये पुप्पा का फेवरेट कलर है येलो। अच्छा ये कुछ वेस्ट के पैक थे, फुल स्लीव्स और स्लीवलेस। ये इसका एक टॉवल है, टॉवल था ऑलरेडी लेकिन बस एक एक्स्ट्रा होना चाहिए स्पेशली जब ट्रैवल करना हो, बच्चों की एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये मेरा स्कार्फ स्कार्फ है, दुपट्टा है, जैसे मर्जी ले लें, अच्छा खासा है, वाइड भी है और लेंथ भी इसकी अच्छी सही है, ऐसा दुपट्टा भी लिया जा सकता है, स्कार्फ बनाना है स्कार्फ बना लें इसका, किसी भी चीज़ की तरह चल जाता है। मिंसा की दो हैट्स हैं इन केस अगर पाकिस्तान में ठंड हुई फरवरी के एंड में, तो अब सारी तैयारी की है हमने, पतले कपड़े भी लिए हैं मिंसा के, मोटे भी लिए हैं। और ये एक सेट है इसका, शर्ट है और पजामा है, ये भी थोड़ा गर्म ही है सूट, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अच्छा और ये कुछ हेयर बैंड्स का एक सेट है, एक पेयर है। अच्छा कोविड की वजह से इतना स्टॉक ख़त्म हुआ है हर जगह, बच्चों के हेयर बैंड्स ही नहीं मिल रहे होते, ऑनलाइन देखनी पड़ती है हर चीज़, अब शॉप से सिर्फ हमें एक ये सेट मिला बस, और कोई कलर ही नहीं था उनके पास, इतने हालात अजीब से हुए हैं। और एक ये फ्रॉक मिली है, फ्रॉक्स भी नहीं है, बहुत कम चीज़ें मिलने लगी हैं अब तो। ये एक फ्रॉक, एक दो फ्रॉक्स इसकी बस मुश्किल से मिली है, जो स्पेयर लिए हैं, बाकी सेट्स हैं।
ये मिली है, ये भी थोड़ा पतला स्टफ है, एक ये फ्रॉक है, फ्रॉक उसके साथ हेड बैंड सॉरी। थोड़े थोड़े बड़े कपड़े लिए हैं, अभी मुझसे इतनी बड़ी हुई नहीं है वैसे, लेकिन इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान जाएंगे हो ही जाएगी इस साइज़ की, 2-3 महीने हैं अभी तो। मेकअप के ब्रांड्स मैंने अभी आपको इतनी डिटेल से इसलिए नहीं बताया कि अभी और भी बहुत सारा मेकअप है, अगर आप लोग कहें तो हम एक और वीडियो बना लेंगे अपनी सारी मेकअप की, मेकअप प्रोडक्ट्स को हम डिटेल से आपको दिखा देंगे एक एक चीज़ और कहाँ से लिया है और यू नो क्वालिटी। वैसे तो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी मैंने अभी तक स्टोर्स देखे हैं यहाँ पर UK में और जितना जिनका भी मेकअप यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव वाला ही हो, नॉर्मल ब्रांड्स भी सबकी क्वालिटी बेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कोई भी यानी यहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि कोई दो नंबर चीज़ आपको कोई दे रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ ही लेंगे तो आपको अच्छी मिलेगी, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी है हर ब्रांड की। बहुत सारे लोगों को पता ही है UK की मेकअप, UK के मेकअप ब्रांड्स का बहुत सारे, तो उनका भी किसी दिन एक दिन रिव्यू करेंगे पूरा, सारे मेकअप ब्रांड्स में आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स आपको हम लोग डिटेल में दिखा देंगे जो यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारा बहुत ज़्यादा मेकअप कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये कि हम अपना हम लोग बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं, कभी बाहर से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी, मतलब कुछ भी घर में कोई गेट टुगेदर वगैरह हो, फंक्शन छोटा मोटा, हम लोग खुद ही बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा आपने, उप्पो ने भी अपना मेकअप खुद ही किया हुआ था, बहुत अच्छा किया था, ज़ाहिर करने से ही आता है ऐसा। अभी मैं भी, मुझे मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा मैं कर लेती हूँ मेकअप, लेकिन अपना गुजारा हो जाता है थोड़ा बहुत, बहुत प्रोफेशनल वाला नहीं आता, लेकिन ये कि अच्छा कर लेते हैं। तो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो फिर ज़रूर कमेंट लाइक वगैरह कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और इसी तरह हमारी वीडियोज़ देखते रहें और आगे शेयर करते रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो भी ज़रूर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।